जब ट्रस्ट ने मुझे काम सौंपा कि मंदिर में, ये मेरी ही परिकल्पना थी कि जिस समय प्राकट्य हो रहा हो, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस समय संगीत होना चाहिए, मंगल ध्वनि होना चाहिए, जैसा कि दक्षिण में और उत्तर के भारत के मंदिरों में होती है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक अवधारणा रहती है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबका समन्वय हो। चूँकि रामलला सबके हैं, भगवान सनातन हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, एक सांस्कृतिक नायक हैं, उनको देश आस्था, अध्यात्म, साहित्य, कला हर क्षेत्र में देखता है। हर कला परंपरा में श्री राम कथा का गायन और नर्तन होता है, तो मुझे लगा कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अधिकतर राज्यों से वहाँ के मंगल वाद्य बुलवाए गए, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से घटम था, उत्तर प्रदेश से बांसुरी और पखावज थी, मृदंगम आया, पंजाब से अलगोजा आया, राजस्थान से रावण हत्था आया, तमिलनाडु से नादस्वरम आया, तो इस तरीके से तबिल आया। हमने मंगल ध्वनि की अवधारणा रची और देश के शीर्षस्थ गायकों ने उसमें राम धुन गा के, भजन गा करके अपनी राग सेवा अर्पित की, जिसमें सोनू निगम जी, अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल, हरिहरन जी, शंकर महादेवन, मालिनी अवस्थी, कैलाश खेर और अनवर खान साहब मंगणियार, इन सब लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। एक बात मैं एनआई से कहना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार वादक आए थे, जिन्होंने मंगल ध्वनि की, हमारी परिकल्पना को साकार किया, सभी ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, सभी ने अपनी तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, भगवान रामलला के प्राकाट्य के लिए ये उत्सव रचा। जिस समय मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उस समय मीराबाई जी की धुन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो मंगल ध्वनि के रूप में बजाई जा रही थी, और सारे कलाकार उसके बाद लक्ष्मणाचार्य जी का भजन रघुपति राघव राजा राम संकीर्तन के रूप में गा रहे थे। हमने शुरुआत की थी राम का गुणगान करिए से, फिर आरती के समय श्री रामचंद्र के पाल भजमन की धुन बजाई गई और उसे शंकर महादेवन जी ने गाया। पूरी कल्पना ही इस आधार पर थी कि मंगल का, उत्सव का, शुभता का प्रतीक उल्लास हम संगीत के माध्यम से रच सकें। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधुनिक किसी वाद्य का हमने इस्तेमाल नहीं किया, जो भी आधुनिक प्रचलित वाद्य हैं उनको छोड़ करके भारतीय परंपरा में और मंदिरों के गोपुरम में बजने वाले, रंग मंडप, नृत्य मंडप में बजने वाले वाद्यों का इस्तेमाल किया, जैसा प्राचीन काल में उल्लेख मिलता है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।